बीजेपी में जाने को बेताब चंपाई, हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ाई। 30 अगस्त को ज्वाइनिंग पर बोले चंपाई ने कैमरे पर कैसे राज खोले। कल आप गृह मंत्री अमित शाह से मिले, क्या कुछ बैठक में तय हुआ? हमने पहले जब आए थे 18 तारीख को हमने अपना पोस्ट हम दे दिया था। पार्टी में हमसे सीनियर एक है जो स्वास्थ्य गुरु जी है, स्वास्थ्य खराब है बोल नहीं पाते हैं, इसलिए हमने कुछ नया अध्याय शुरू किया है और नया अध्याय पहले तो सोचा था हम संन्यास ले लेंगे, बाद में जनता कार्यकर्ता उसका हौसला उसका मांग तब हम बोला सक्रिय रूप से राजनीतिक में ही रहूंगा। पहले तो हम सोचा था संगठन बनाएंगे नया, समय का कमी और झारखंड प्रदेश का कुछ अलग ही परिस्थिति है। हम बड़ा मंथन करने के बाद देश का प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री का उनका विश्वास उनका ऊपर विश्वास किया, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। हाँ कर रहे हैं, हाँ हम कर रहे हैं, दिल्ली में रहने वाले हैं, झारखंड जा रहे हैं, कल हम झारखंड जा रहे हैं और उसके बाद दिल्ली आएंगे। सर आप सीएनएन ये कह रही है कि चंपई सोरेन अब एक्सपोज हो गए हैं जिस तरह से उन्होंने मीटिंग की अमित शाह से और बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। कोई भी कुछ कहे, हमने बड़ा संघर्ष किया है, हमारा इतिहास हमारा संघर्ष झारखंड प्रदेश में आईना की तरह है। हम किसी का कोई भी कुछ कहे उससे हमारा कोई उसको जवाब देने हम उचित नहीं समझते हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी का शामिल होंगे। बाबूलाल मरांडी नाराज हैं आपके बीजेपी में आने की बात से, दिल्ली पहुंचे हैं मुलाकात कर रहे हैं, नाराज हैं आपके आने से? देखिए हम उस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। आपको मालूम है बाबूलाल मरांडी नाराज है? हमको उस बारे में नहीं, हम तो अभी हम किसका बोलेंगे, ये सब हमको कुछ बोलना नहीं है। चले हम और हमारा लड़का जो बाबूलाल सोरेन वो बाद में बताएंगे।